अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आपको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है कुछ ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई करी थी और उसके बाद फौरन बाद जो है मैं याली वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। इसका नाम क्या है? एनिमेशन। सही, एनिमेशन जो हम अप्लाई करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? एनिमेशन अप्लाई करने हैं अपनी स्लाइड के अंदर। एनिमेशन क्या होते हैं चल के देखते हैं, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं कहाँ क्लिक करूँ? अपनी स्लाइड नंबर 1 पे जो मैं मौजूद हूँ, ठीक है। और मैं इस वक्त जो है स्मार्ट कंप्यूटर के जो है टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एनिमेशंस भी जो है हमारे पास इनेबल हो गई हैं। तो मैं इसके एरो पे क्लिक करूँगा, उसमें देखें बहुत ज़्यादा जो है बड़ी अच्छी अच्छी जो है यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन अवेलेबल हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे बाउंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाउंस होता हुआ जो है स्मार्ट कंप्यूटर जो है यहाँ पर आएगा। इसके अलावा नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे बिकम अ कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इसके ऊपर आ रहे हैं एरो पर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे स्विल के नाम से जो मैं अप्लाई कर दूंगा वो स्विल करेगा, उसके बाद स्विल घूमता फिरता जो है यहाँ पे बिकम अ कंप्यूटर एक्सपर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद स्लाइड नंबर 2 पर जा रहे हैं हम। स्लाइड नंबर 2 पे फिर मैं सीआईटी पे क्लिक कर रहा हूँ। सीआईटी पे क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पर जो है ट्विटर पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं दोबारा यहाँ नीचे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कुछ अच्छी सी जो है एनिमेशन दोबारा सेलेक्ट करूंगा और वो जो है मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो देखें अभी यहाँ पे वेव के साथ जो अप्लाई होती है जो यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, तो ये हम अब थर्ड स्लाइड पर आ जाएंगे इसी तरीके से। मतलब एक मज़ेदार सी चीज़ है ये भी देखा जाए ना। तो फ्लोट अगर हम यहाँ पे जो है व्हील की तरह उसको घुमाते हुए लेकर आए, उफ आए है जबरदस्त। और फिर इसके बाद इमेज है हमारे पास, इमेज के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जूम करवाया जाए, स्लाइड को जूम करवा के लेकर आते हैं हम, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे करवा दिया, या पैर करवाएं आपके ऊपर है आप कैसे जो यहाँ पे काम करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो है यहाँ पे हम इसको ग्रो एंड टर्न करते हुए लेकर आए। हमने थॉमस एडिसन को घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है। और इसके लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर देखें थैंक्स फॉर वॉचिंग के अंदर, तो इसके ऊपर जो है मैं चाहता हूँ कि बोल्ड फ्लैश टाइप की कुछ चीज दें हम। उफ माय गॉड, ठीक। तो एकदम जो है बोल्ड हुआ है, या फैट करवा दें तो फैट भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे हम काम यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट कलर करवाना चाहें तो ऑब्जेक्ट कलर भी करवा सकते हैं, लेकिन ये अजीब सा हो जाता है कभी कभार। लाइटन करवाना चाहते हैं लाइटन भी करवा सकते हैं, ठीक। और अगर आप जो है कुछ और करवाना चाहें मिसाल के तौर पर कलर पल्सेस वगैरह करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सारे काम यहाँ पे हम करवा सकते हैं। ओके, आई होप सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा आपको मसला होगा समझने में। ओके, मैं भी बेसिक सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ ताकि जो है सबको आसानी से जो है समझ में आ जाए। ओके, अंडरलाइन अगर अंडरलाइन करवाना चाहें तो अंडरलाइन भी यहाँ पे करवा सकते हैं। ओके, अभी मैं इसको पूरा व्यू करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे यहाँ पे काम कर रही हैं। ओके, अच्छा याद रखिए ग्राफिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा यूज होती है। पावर पॉइंट जो है ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है बेसिकली, मेरा मानना यही है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना कंप्यूटर की पावर्स को यूज़ करता है। तो मैं अभी F5 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। F5 प्रेस मैंने आपको नीचे नज़र भी आ गया, F5 मैंने प्रेस किया है इस वक्त यहाँ पे। तो अभी हम चले जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए। अगर देखते हैं चल के, ये कल वाली ही जो है अभी ट्रांजिशन अप्लाई हुई थी यहाँ पे और कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद देखें तो स्मार्ट कंप्यूटर एक्स है और गिरता वो जो है मेरे सामने लिखा हुआ आ गया। ओके, लगता हुआ सा आ गया, बाउंस का इफेक्ट था बेसिकली, बाउंस जो है एनिमेशन थी ये। इसके ऊपर क्लिक करें दोबारा तो बीकॉम कंप्यूटर एक्सपर्ट लिखा हुआ आ गया हमारे पास। इसके बाद दोबारा क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो पर्दा जो खुल गया हमारा, ट्रांजिशन है बेसिकली। इसके बाद जो है CIT देखिएगा कैसे जो हिलेगा वो। और उसके बाद जो है हम विंडोज़ दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, तो विंडोज़ 7 देखें किस तरीके से जो है उसने अपना काम करा है। फिर दोबारा क्लिक करूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर दोबारा क्लिक करूँगा फोटोशॉप, फिर उसके बाद दोबारा क्लिक करूँगा इंटरनेट ब्राउजिंग, और फिर दोबारा क्लिक करूँगा तो चेंज करने में चला जाएगा यहाँ आपको, ठीक है। ये काम हो गया, इसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा डिजिटल वर्कर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने क्लिक करा, डिजिटल वर्कर आ गया यहाँ पे। इसके बाद इमेज आएगी हमारे पास और उसके बाद जो है हम दोबारा इसको चेंज करवा रहे हैं। ये मैंने बाद में अप्लाई करी थी ट्रांजिशन, ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार जो ट्रांजिशन अप्लाई हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये आगे लाइन, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ये अल्लाह, उम्मीद करता हूँ सही तरीके समझ में आया।